जय हिंद। नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों कहते हैं ना कि दोस्तों कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है दोस्तों। वो चारों भाई का दोस्तों इंडियन आर्मी टीओडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया और इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों चारों भाई से दोस्तों पूरा अपना अनुभव शेयर करेंगे, जानेंगे किस तरह बंदों ने तैयारी करी और कितनी खुशी मिल रही है। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और साथ कहते हैं ना दोस्तों, बिना घोसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा मजा भी आएगा। बाबू क्लैपिंग दिल से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साथियों चारों भाई से पूरा अनुभव शेयर करवाएंगे। बाबू सबसे पहले गौरी शंकर जो कि फ्रॉम मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है और महुआरो। बाबू जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा नाम गौरी शंकर चौधरी, मैं एमपी के खंडवा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट आई महुआरो की, जिसमें गुरुजी और माता पिता के आशीर्वाद से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया और इंडियन आर्मी में फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं फौजी भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जितनी खुशी नहीं हो रही उससे कई गुना ज़्यादा मेरे गुरुजी और मेरे माता पिताजी को खुशी हो रही है कि मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया। मैंने मेहनत करी और उनका नाम, मेरे गुरुजी और मेरे माता पिता का नाम रोशन किया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है? सबसे पहले जो बताओ। बहुत खुशी हो रही है सर जी। अच्छा लग रहा है जब मेहनत करते हैं और जब मेहनत का परिणाम आता है और जब सफलता प्राप्त होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, बहुत दिल की गहराई से। अब साथियों हम जानेंगे बाबू रोहित से। रोहित जो कि दोस्तों देवास जिले से बिलोंग करता है और आरओ दोस्तों में हुए। बाबू जय हिंद सर जी। जय हिंद बाबू। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और मेरे माता पिता की तरफ से इंदौर फिजिकल एकेडमी और गुरुजी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्राना बाबू, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहां पर आया था सर जी के पास, वो सपना मेरा पूरा हुआ है। गुरुजी की मेहनत सफल हुई है, मेरे माता पिता का सपना पूरा हुआ, ये सब सर की बदौलत हुआ है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मतलब दौड़ भी नहीं पाता ठीक से, लेकिन सर ने बहुत मारा, बहुत डांटा, बहुत डिमोटिवेट होता था मैं। चार राउंड भी नहीं लगा पाता था, पेट पकड़ के बैठ जाता था, लेकिन सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। धीरे धीरे सब कुछ हुआ, सही हुआ और पिछली बार भी एक्सीलेंट था लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार गुरुजी के आशीर्वाद से एग्जाम मेडिकल फिजिकल सब कुछ फिट हुआ और एग्जाम भी पास हो गए। बहुत 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 शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे यूट्यूब फैमिली को? यूट्यूब फैमिली को यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप अपने बारे में खुद सोचिए, है ना। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। बंदे 300 बंदे दौड़ते हैं, 300 बंदों में से 20-30 बंदे पकड़ते हैं, 20-30 बंदे वो बंदे पकड़ होते सिलेक्ट जो बंदा मेहनत करता है। आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही होगी तो आप ना सफल हुए। अगर आप मेहनत करते तो आप भी सफल होते। और अच्छे से दिल से मेहनत करो, अपने माता पिता का सपना पूरा करो, जहाँ भी हो, जिस एकेडमी में भी हो, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से लगे रहो, टीके रहो, जहाँ भी हो अपने गुरु का सम्मान करो, माता पिता की इज्जत करो, है ना। बाकी अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद में सर पिंटू, पिंटू आइए। जय हिंद सर जी। जय हिंद। मेरा नाम पिंटू भुरिया है, मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं साथियों इंदौर फिजिकल एकेडमी यानी फौजी फैक्ट्री को मेरे और मेरे माता पिता की ओर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू, गॉड ब्लेस। जिसकी वजह से आज मेरा इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जी सर, लव यू। चलो इसके बाद में दोस्तों तीनों भाई का जीडी में हुआ है और बाबू का दोस्तों हुआ है टेक्निकल में। आ जाओ बाबू। जय हिंद साथियों। जय हिंद, लव यू बाबू, गॉड ब्लेस यू बाबू, गॉड ब्लेस यू। गुरु जो की मेहनत से मेरा आज टेक्निकल में सिलेक्शन हो गया है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है और मैं सर को, गुरु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जय बाबू,
अब जानेंगे दोस्तों सबसे पहले दोस्तों गौरी से कैसा लग रहा है और कितनी मेहनत करी और आज मेहनत करने के बाद में दोस्तों फाइनल इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता और बंदा और बंदी हारते हुए जो मेहनत नहीं करते, इन सभी भाइयों ने मेहनत करी। और बताना चाहूँगा दोस्तों ये मत समझना कि इस एकेडमी से केवल 4 बंदों का हुआ, दोस्तों बराबर 88+ बंदों का दोस्तों फाइनल इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों गौरी शंकर से। गौरी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेहनत बहुत करी थी, गुरुजी ने हमको मेहनत भी करवाई थी और उसका परिणाम पूरा 100% रहा। जो गुरुजी ने बोला हमेशा वही किया, कभी उससे कभी ज़्यादा नहीं, कभी कम नहीं किया, जितना सर जी बस बताते बस उतना करते गए। और सर जी को विश्वास था हम पे, मुझ पे खुद इतना विश्वास था सर जी को कि एक्सीडेंट मार के आएगा। और एक्सीडेंट इस बार ही मारा था, पिछली बार भी देवास आरओ में 100 मीटर लीड दे के एक्सीडेंट मारा था मैंने। और एग्जाम नहीं हुआ था पिछली बार तो डिमोटिवेट हुए थोड़ा, पर सर जी ने फिर हमको मोटिवेट किया, हौसला दिया, बेटा होगा तुम्हारा, तुम मेहनत करो फिर से। फिर से हमने लगातार मेहनत करी और इस बार मात्र गिनती के 25 दिन में दौड़ा इंदौर फिजिकल एकेडमी के ग्राउंड पे। भले पानी गिरा या कुछ भी हुआ पर 25 दिन गिनती के दौड़ा। और 25 दिन दौड़ने के बाद मऊ आरओ में मेरा लाइव वीडियो बना था, भर्ती के 3 दिन पहले लाइव वीडियो सर जी ने बनाया था, उसमें क्लियर मैंने बोल दिया था कि मैं एक्सीडेंट मार के आऊंगा। और एक्सीडेंट मारा और गुरुजी को बहुत जोरदार ताली देना चाहूंगा कि जो बंदे दौड़ते नहीं है, गुरुजी बोलते कि दौड़ो और जाके खड़े हो जाएंगे, 1 राउंड लगाएंगे 2 राउंड लगाएंगे जाके खड़े हो जाएंगे, तो एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना। जब आप रुको आपको सीन पेन होता है, आपके घुटने में दर्द होता है, आपका एंकल पेन करता है, आपके माता पिता दिन भर खेत में कितना काम करते हैं, कितना ठेला चलाते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं, उनको एक बार सोच लेना कि वो मेहनत कर रहे, उनके हाथ पैर कह रहे दर्द नहीं कर रहे होंगे, तुम 2 राउंड दौड़ोगे रुक जाओगे, बोलेगे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे, तो एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोच लेना। एक पिताजी वही होते हैं जो फटी बनियान पहन के महीनों गुजार देते वही फटी बनियान में, लेकिन अपने बेटे और अपनी बेटी के एक बार बोलने पर उनको नए कपड़े दिला देते हैं। अपनी माँ वही होती है जो माँ पूरे परिवार को पहले खाना खिलाती है, सबसे लास्ट में खाना खाती है और खाना कम होने के बाद भी कम खाना खा के और सो जाती है, लेकिन अपने बेटे और बेटी को एक रोटी भूख नहीं होने के बाद भी एक रोटी ज़्यादा खिलाती है। अपने गुरुजी वही होते हैं जो गुरुजी सुबह के 4 बजे कड़कती ठंड में आ जाते हैं यहाँ पर ग्राउंड पे, बरसते पानी में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटी और मेरे बेटियों को मैं दौड़ाऊंगा, भले कितनी बारिश हुई पर इंदौर फिजिकल एकेडमी के एक दिन भी बारिश में मैं खुद दौड़ा हूँ, भले ग्राउंड पर नहीं दौड़ा, रोड रनिंग हुई है, पर इतनी बारिश होने के बाद भी गुरुजी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, भले कितनी बारिश हुई, 25 दिन गिनती को दौड़ा हूँ और बारिश हुई, ठंडी हो, कोई मौसम भी हो, कभी छुट्टी नहीं होती इंदौर फिजिकल एकेडमी की, और मात्र 25 दिन दौड़ा और मैंने सुपर एक्सीलेंस मारा इस बार भी मारा। बहुत बहुत जब सोचते हो कि तुम 2 राउंड लगाओगे 3 राउंड लगाओगे और बोलते हो मुझे पैर दर्द कर रहा है, मेरा सिन पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम भाने बनाते हो, तो वो एक माता पिता के बारे में सोच लिया करो एक बार। साथियों कहते हैं ना दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है दोस्तों माँ बाप, तो कुछ भी काम करो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कितना पापड़ बेलते हैं अपने घर पर। एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, एक ठेला चलाने वाला का बेटा ही दोस्तों फौज में जाता है, तो दोस्तों कुछ भी काम कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि यार कितनी मेहनत करते हैं, चाहे ठंड हो या बारिश हो या धूप हो या कीचड़ हो, हर समय दोस्तों आपके लिए तत्पर रहते हैं, तो क्यों ना दोस्तों आप उनके लिए एक सुनहरा मौका दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। और मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपना एक लक्ष्य रखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने माँ बाप को दोस्तों इंडियन आर्मी की वर्दी गिफ्ट करूँगा। कभी आप ये सोच रहे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत जल्दी दोस्तों इंडियन आर्मी की वर्दी प्राप्त कर लेंगे। अपने माता पिता के बारे में आप कभी सोचोगे, आप माता पिता के बारे में सोच रहे हो तो 100% आप फिजिकल पास करोगे। और एक बार सोच लिया करो, जब भी आपको डिमोटिवेट हो कुछ भी हो तो एक बार अपने गुरुजी और अपने माता पिता के बारे में सोच लिया करो। जब इंदौर फिजिकल एकेडमी की रहने और खाने की बिल मात्र 4,000 रुपये है, तो पिताजी जब महीना पूरा नहीं होता उसके पहले ही सोचने लग जाते हैं कि मुझे 4,000 रुपये मेरे बेटे और मेरी बेटी को इंदौर फिजिकल एकेडमी अगले महीने जमा करना है और मैं कैसे कमाऊँ। नहीं होते हैं तो ब्याज के दूसरे के घर से उठा के ले आते हैं, पर अपने बेटे और बेटी को कभी डिमोटिवेट नहीं करते, कभी निराश नहीं करते। और जो भी ख्वाहिशें रहती अपने बेटे बेटियों की, पैसे नहीं होने के बाद भी वो अपन को नहीं बताते हैं, पर पैसे नहीं होने के बाद भी भले पैसे किधर से उठा के ला रहे, ब्याज से ला रहे, कहीं से भी ला रहे, पर अपने बेटे बेटे की पूरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो माता पिता होते हैं। एक बार सभी लोग अपने माँ बाप के लिए जोरदार ताले। आप लोगों ने ताली बजी, अपनी बॉडी का 100% दिया आप लोगों ने, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर,
बस यह एनर्जी आपको लगाना है जब भी आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। कहते हैं दोस्तों कि कोई भी बंदा अपनी बॉडी का 100% दे रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है और मेहनत करते हुए अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ, भर्ती चाहे कहीं की भी होगी वहाँ पर सुपर एक्सलेंट मारेंगे और फौजी बनेंगे आप लोग। सर जी हमेशा बताते हैं कि कभी घमंड मत करना, थोड़ा सा भी घमंड मत करना और नॉर्मली मजदूर बन के रहना है, और जितना अपने माता पिता बताए, अपने गुरु जी बताए, उतना ही करना है, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। और ये कर लिया आपने और अपने माता पिता और गुरु जी के बारे में सोच लिया है, तो दुनिया की कोई सी ताकत नहीं है कि तुमको इंडियन आर्मी की वर्दी पाने से रोक सकती है। कि ये भाइयों ने 1 महीने पहले आपके साथ में दौड़ते थे। यस सर। जब भी कोई भी किसी का सिलेक्शन होता था तो यहाँ पर ये लोग बैठते थे आपकी जगह। यस सर। तो आप लोग भी तगड़ी मेहनत करो, क्योंकि एग्जांपल आपके सामने है कि यार ये भी आपके साथ में दौड़े हैं, ये भी आपके साथ में बैठे हुए हैं, ये भी आपके साथ में कीचड़ में लोटपोट हुए हैं, ये भी पसीने से नहाए हैं। तो यार दोस्तों देख लीजिए आप, रिजल्ट आपके सामने है। यस सर। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, सपना जरूर साकार होगा आप सभी का। 101% बोलो, लिख के दे रहा हूँ। और अपने माँ बाप के बारे में सोचो और उन लोगों के बारे में जरूर सोचो जो लोग आपके नाकामयाबी का इंतजार कर रहे हैं कि यार वहाँ गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसी मेहनत करो दोस्तों कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, देखो इंडियन आर्मी की हम सभी तैयारी कर रहे हैं, सबको पता कि हम अगर हम अमीर होते या हमारे पिताजी अमीर होते तो हम आर्मी की तैयारी नहीं करते। हम सब मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, और एक पिता वही होता है कि हमारे पिताजी बेशक अमीर नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को एक सुखी और मतलब सुखी जीवन देने की कोशिश पूरी करते हैं। आपको मतलब किसी भी परिस्थिति हो, आप यहाँ हो, आप पिताजी को लगाओगे फोन, लगाओगे पिताजी महीना होने वाला है, पैसे की ज़रूरत है, पिताजी कहीं से भी अरेंज करेंगे, चाहे उनके पास पैसे हो या नहीं हो, कहीं से लाएंगे पिताजी बिल्कुल आपको पैसे देंगे। लेकिन कभी आपको मना नहीं करेंगे बेटा पैसा नहीं है, अभी नहीं देंगे, 10 दिन बाद देंगे, ऐसा नहीं। आपकी पढ़ाई या फिर आपसे रिलेटेड अगर आपको समस्या है तो कहीं से भी पैसे अरेंज करके देंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई में कभी भी समस्या नहीं आने देंगे। मैंने भी पिताजी को जब भी फ़ोन लगाया समय से पहले पैसे डाल देते थे। गुरुजी ने मुझे बहुत सहयोग किया, गुरुजी का मैं जितना मतलब जीवन भर आभारी रहूँगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतना सहयोग किया मतलब मैं बता नहीं सकता, हर तरफ से सहयोग किया गुरुजी ने मुझे। दौड़ भी नहीं पाता था, बाकी दूसरे तरीके से भी हर तरीके से सर ने सहयोग किया है, वो सर जी का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। वो मेरा परिवार सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आज मतलब सर जी के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। जब मैं भी यहाँ बैठा रहता था तो जब यहाँ पर कोई फौजी भाई आता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा, सबकी सोच अलग अलग है, मेरी सोच बहुत अलग है। जब मैं बैठा रहता था मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे उस बंदे से बुरा नहीं लगता था ना उस वर्दी से, मुझे ये बुरा लगता था कि यार ये बंदा खड़ा मैं क्यों नहीं खड़ा हूँ यार इसके जगह, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है जो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। तो मैंने वो कमी पूरी की और आज गुरु जी से और माता पिता जी के आशीर्वाद से आज मैं कोई भाई भी डीमोटिवेट नहीं तो ना, क्योंकि आप इस जगह पर आए हो इंडो फिजिकल एकेडमी, ये नाम नहीं है ब्रांड है, यहाँ पे सिर्फ भारत में नहीं इसके विदेशों में भी चर्चे है। और आप देख लेना, आप कहीं भी जाओगे ना अगर यहाँ पे जब खड़े ना हम जाते हैं ना ट्रेन में भी जाते हैं ना तो कम से कम 50 लोग बोलते थे भैया इंडो फिजिकल एकेडमी वाले हो। हम पढ़ाई करने गए तो शुरू स्टार्टिंग में बोल दिए लड़के हमें कि भैया आप इंडो फिजिकल एकेडमी वाले हो, और सभी लोग वहाँ से इंडो फिजिकल एकेडमी के नाम से जानते थे। तो भैया नाम नहीं ब्रांड है, और आपके घर पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार, मैं बता दूँ आपके परिवार वाले ही और आपके माता पिता ही आपका सिर पर है ना सफल होना देखना चाहते हैं, बाकी सब मुँह पर मीठे बोलते हैं, बाकी कोई ये नहीं चाहता कि बंदा सफल हो जाए। आपका पड़ोसी भी आपसे दुखी है, मुंह पे मीठा बोलेगा ज़रूर लेकिन वो उसके अंदर क्या है वो अपन नहीं जान सकते। तो आपको, आप इस जगह पर आए हो, यहाँ ब्रांड है, सबको पता है कि आप इंडो फिजिकल एकेडमी में आए हो, तो यहाँ से आपको सफल होकर जाना है, टीके रहना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक टूके, जब तक आपकी भर्ती नहीं आया तब तक टीके रहना, यहाँ से कोई भी बंदा निराश होकर नहीं जाएगा। और गुरु जी जितना बताए उतना ही कर लेना, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, इतने में ही आपका काम हो जाएगा और सभी भाई एक्सीलेंट मारोगे यहाँ से, कोई भाई नहीं। थोड़ा देखो बातचीत कम करनी है, कुछ भी काम नहीं है तो आप एक ही काम करना है ना, दिन भर दौड़ो, जब आपको समय मिले तब दौड़ो यार, जितना सर्जी करवाए उतना कर लोगे तो उतने में ही काम हो जाए, आपका एक ही काम है। और जब भी सुबह उठो थोड़ा सा
सोने से पहले माता पिता और गुरुजी सब के बारे में सोच लोगे ना, अगर तुम अपने घर की परिस्थिति के बारे में सोचना, अकेले बैठ के मोबाइल चलाने से अच्छा है ना अपने घर के बारे में सोचना कभी कि अपने घर की परिस्थिति कैसी है। घर पे खाना, कुछ लोग होते, कुछ परिवार होते जहाँ पे मतलब शाम की रोटी भी पता नहीं होता कि सुबह जब दिन होता है कि शाम की रोटी कैसे खाएंगे, ऐसे परिवार भी होते हैं। तो अपने माता पिता और अगर परिवार के बारे में सोचोगे ना आप, तो आप बिल्कुल 100% सफल होगे, आप बिल्कुल गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, ठीक है ना। और अपने माता पिता और गुरुजी के बारे में सोचते रहना, बाकी माता पिता और हमेशा गुरुजी की इज्जत करना, आप सफल हो जाओगे। अच्छा लग रहा है? यस सर। सभी लोग तगड़ी मेहनत करो बाबू, हर बार ही बोलता हूँ कि यार माता पिता ने एक उम्मीद एक आस छोड़ के गए हैं यहाँ पर, और उनको ये थोड़ी पता कि इंदौर फिजिकल एकेडमी क्या चीज़ है, उनको तो ये पता कि इंदौर फिजिकल एकेडमी फौजी बनाया जाता है, समझ बात को। और उनको तो बस ये लग रहा है कि यार मेरा बेटा कब फौजी बनकर आएगा। तो बाबू सभी लोग, कोई किसान का बेटा, किसान के बेटे को उनको हाथ खड़े करना, नॉर्मल एस किसके यहाँ पर है, हाथ खड़े करो, क्या होंगे, इतनी मेहनत लगती है बेटा पालने में। सर दूध में कुछ बसता है? सर कुछ बसता है क्या दूध में? नहीं सर। खेती बाड़ी में कुछ बसता है? नहीं सर। नहीं बसता बिल्कुल भी। तो सोच लो दोस्तों, कितने पापड़ बेल रहे अपने माता पिता, और कहां कहां से रुपया रंज करके पहुंचा रहे हैं। यस नो? यस सर। लेकिन कभी भी आपको दुखी नहीं करा, आपने बोला कि पापा महीना हो गया जैसे फीस 4,000 रुपये है, आप बोलेंगे पापा 6,000 रुपये चाहिए, चाहे कहीं से भी अरेंज करके आपको देंगे, लेकिन देंगे वो, लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि बेटा मैं रुपये वहाँ से ला के दिया या उधार ला के दिया ब्याज वाला के दिया। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है, और दुनिया क्या बोलेगी ये हटा दो, बस आप क्या कर रहे हैं इससे अपने माता पिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले वो सोचो। तो इसलिए बोलना चाहूँगा अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो आपके माता पिता का नाम जगमा होगा। Yes or no? Yes, sir. और कभी गलत काम करोगे तो आपके माता पिता को लोग गाली बकेंगे। आज फौजी बन गए तो क्या बोलेंगे कि इनका बेटा आज कहाँ है? बॉर्डर पे है। कहाँ है? बॉर्डर पे। क्या कौन है? फौजी। और फौजी कौन होते हैं? देश की धड़कन। तो कितना गर्व होगा आपके माता पिता को, यार मेरे माँ बाप ने, मेरे बेटे ने आज मेरा नाम रोशन किया, आपको इतना बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी एकेडमी पहुँचा दिया। तो मुझे आंसर दीजिए आप लोग, क्या आप अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते क्या? आवाज ही नहीं है मुझे। यस सर। अरे कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। मैं बोलना चाहूंगा कहीं की भी दौड़ो, जिस तरह आपने क्या बोला यस सर, अपनी बॉडी का 100% दिया, और कभी 4 चक्कर इसे रफ्तार में दौड़ गए आप, जुनून में, जोश में, जज्बे में, और दौड़ते समय अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको 1600 मीटर एक्सलेंट मारने से। अंडा यही है, अंडा यहाँ है। जब माता पिता के बारे में बात आती है कैसे ना, तो मैं बोलना चाहूंगा वो तो हटा दो। क्या आप अपने माँ बाप को ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी की जो टोपी होती है सर का ताज, क्या नहीं पहना सकते हो क्या? Yes, sir. तो क्या इतना कर्ज नहीं मार सकते आप? Yes, sir. कर सकते नहीं कर सकते? Yes, sir. तो आज इसे गार्ड मान लो कि हम कर सकते हैं, हम फौजी बनेंगे। क्या बनेंगे? फौजी। और फौजी बनना आसान नहीं है, मैं गर्व करता हूँ आप सभी भाइयों पर, क्योंकि बेटा जवानी बर्बाद करना पड़ता है इसके लिए, और जिगरा चाहिए बेटा, हर किसी के बस की बात नहीं फौज की तैयारी करने की। फौजी बनना क्या बोलता कि आसान नहीं है फौजी बनना, जज्बात को पिघला के रगों में लोहा भरना पड़ता है जब बनता फौजी। फौजी बनना आसान है, तगड़ी मेहनत करो, बहुत दूर दूर से आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि यार इतनी दूर दूर से आए हैं, और एक माँ बाप और गुरु को जब बेटा सक्सेस होता ना तो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है माँ बाप को और गुरु को। तो बस यही चाहता हूँ कि आपकी सफलता है मेरा तो थोड़ा लक्ष्य, तगड़ी मेहनत करो, एक एडमिट कार्ड है, जब आपका रिजल्ट आउट होगा ना फौजी बन गए, रियली बता रहा हूँ बाबू, इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा
जो भी मेहनत कर रहे हैं वो फौजी बन जाए, वो फौजी बन जाए, मैं ये बोलना चाहूँगा। बहुत मेहनत करी, एक अंक आया करता, कितना अंक, एक अंक, एक एक कितना एक, और जब लास्ट दिया था ना, जब तैयारी चलती रही, कितना नंबर पाया था, दो नंबर पाया, कितना नंबर पाया समझ में नहीं आया आपको, आया नहीं आया, दूसरे नंबर पे टॉप टू, समझ आ गई, बंदे ने फिजिकल मेडिकल क्लियर कर लिया, कोचिंग ज्वाइन कर ली, पहला टेस्ट हुआ, कितना नंबर आया था, आधा नंबर, आधा नंबर, कितना नंबर, 0.5 नंबर, कितना नंबर, आधा नंबर, और इतनी मेहनत करी दोस्तों, इतनी मेहनत करी, टॉप टू में आया बंदा, एक बार जोर लगा, नर्वस नहीं होना, मैं हर बार बोलता हूँ, डिमोटिवेट होंगे तो हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, शरीर के साथ साथ पूरा डिमोटिवेट हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, इसलिए मेहनत करो, आपको समझदार हो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो, और रिजल्ट आपके सामने, पिंटू जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय हिंद, लव यू वेरी मच साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता एक उम्मीद और एक आशा से यहाँ पर आपको पहुँचाया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जितना भी सर बोले बस उतना कर लो, आपको इंडियन आर्मी की वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता, खुश हो बाबू, आपने कितनी, आ जाओ आप भी आ जाओ, कितने महीने तैयारी करी आपने सर जी, मैं मेरी पहली भर्ती थी और मैंने सर जी सही बोल रहा, मैंने 25 दिन मेहनत करी और सर के आशीर्वाद से आज मैं खुश हूं, केवल 25 दिन मेहनत करी, लेकिन कुछ भी काम करो अपनी बॉडी का 100% दो, निरंतर प्रयास करो, वो थोड़ा सा धीरज रखो, कोई भी काम बहुत जल्दी बनता नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ता है बाबू, मेहनत करना पड़ता है, इनको क्या बोलना चाहेंगे सभी भाइयों को, आप भाइयों को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ सबको, बताए कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है और तुमको यही करना है कि उनके जो ताज है वो जो ताजे बनोगे, लव यू भाई, लव यू, चलो तो साथियों ये वीडियो आप अपने माँ बाप को जरूर बताना, और जो भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको जरूर बताना, हर चीज़ संभव है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीने से नहाना पड़ेगा, और रिजल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, और मैं तो यही बोलना चाहूँगा आप किसी भी एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं लेकिन मेहनत आपको खुद को करना पड़ेगा, और कभी आप इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस एकेडमी में कोई गारंटी नहीं है, आपका मेहनत ही, आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, दोस्तों देख लीजिए क्या बोलना चाहूँगा, फिर सुनो, एकेडमी में कोई भी गारंटी नहीं है, केवल आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, इनने मेहनत करी है, मेरा काम केवल गाइड करने का है, रास्ता बताने का, मोटिवेट करने का, और मेहनत तो आपको खुद को करना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत। शेयर कर दो भाई।